हेलो एवरीवन, ये फाइनली आज आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने प्राइमरी टीचर्स के लिए फॉर्म भरे थे, 2019 की बात की जा रही है जो फॉर्म आए थे, उसकी ये लिस्ट आ चुकी है। इन इन कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा इन ये जो लिस्ट निकली है, थोड़ा बताता हूँ मैं इसके बारे में। इसमें डीएलएड के कैंडिडेट्स के अलग नाम हैं और बीएड के अलग हैं। डीएलएड के इसमें लगभग चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, 108 कैंडिडेट हैं। एक तरीके से बहुत ही कम कैंडिडेट हैं डीएलएड के। और आपके डीएलएड के अब इसमें थोड़ा और बता दो, ये देखिए पहला नाम है किसी गीता का, फादर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही है इसका डीएलएड, ठीक है। 2018 में किया है, 74 मार्क्स हैं इसके। और इनका नाम है 150 में से 74 मार्क्स इन यूटेट, ठीक है। और इसके अलावा इनका डीएलएड रामनगर, तो डीएलएड रामनगर, ओके चल जाएगा। और अगर इनके साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो इन्होंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइड में अदर्स में लिखा हुआ है, जैसे इग्नू डीएलएड और किसी के कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये सब लिखा हुआ है। अगर आपका भी इसमें है तो आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड वो उनको जाके जमा करा सकते हैं। एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि आपको जैसे अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड करवाना है अपना, तो वो आप करा सकते हैं, लेकिन 7 दिन तक। जैसे आज इन्होंने निकाला है नोटिफिकेशन, तो आज से 7 दिन तक आप वहीं जाके, इनका जो ऑफिस है वहाँ जाके, ठीक है, और इसको करा सकते हैं, अपना कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे सही करा सकते हैं। अगर कुछ आपके नंबर इसमें गलत लिख दिए हैं, आपने कुछ और थे, तो वो आप ऐड करा लें, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, आप इसे जल्द से जल्द करा लें। और 108 कैंडिडेट हैं फॉर डीएलएड के, ठीक है। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अब हम बात करेंगे डीएलएड कैंडिडेट्स की, और डीएलएड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और डीएलएड कैंडिडेट हैं लगभग 5,800, ओके बहुत ज़्यादा हैं, 5,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं बीएड के। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही, इसमें काफ़ी होंगे डॉक्यूमेंटों में बहुत प्रॉब्लम है, कई तो ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी नहीं किया है, ऐसे खाली बस फॉर्म भर दिया है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कॉम्बिनेशन नहीं है, नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने फालतू में फॉर्म भर रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है इनका फॉर्म भरने का। मैंने बहुतों का देख लिया है इसमें, जैसे बीएड मार्कशीट नॉट अटैच्ड, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप भी जाके इसको भरिए, ठीक है। ये मैं बीएड वालों का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं कि करना क्या है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये लिस्ट निकल चुकी है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की। इसमें उन बच्चों के नाम हैं जिनका फॉर्म भरा था और वो एक्सेप्ट हो चुका है, फॉर्म सही था, लेकिन कुछ इन्होंने टाइम दिया है कि अगर कुछ और आपका प्रॉब्लम है इन मार्क्सों में, तो आप सही करा लें उनको। 7 दिन के आपके पास टाइम है, और 7 दिन के बाद ये कभी भी फाइनल मेरिट निकाल देंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट के लिए निकाला जाता है ये, इसके बाद डायरेक्ट फाइनल मेरिट निकल जाएगी, और फाइनल मेरिट निकलने के बाद सिर्फ वही फाइनल कैंडिडेट सेलेक्टेड माने जाएंगे। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप, अगर कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपका रह भी गया है उसको ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी मौका है आपके पास, अभी भी ऐड करवा लो उसको, ठीक है। जैसे किसी का कोई एनसीसी का छूट गया हो, या कोई चीज़ और सर्टिफिकेट हो जिससे कुछ प्रायोरिटी मिल सके, तो वो करा सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस ये जो लिस्ट है, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको सब्सक्रिप्शन में, और आप वहां जाके चेक कर लें, और आपका नाम भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और आगे मैं बाकी डिस्ट्रिक्टों की भी कल परसों नरसों लगभग एक हफ्ते के अंदर निकल जाएगी, और उनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपकी ऐसे ही हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।